हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज़, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी लॉन्च की जा रही है, जिसके अंडर आप लोगों को मौका मिलेगा जापान जैसी कंट्री में जाकर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, डिग्री कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। ये एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें सब कुछ आप लोग का जो ट्रैवल फेयर भी है, रहने का, एजुकेशन, सब कुछ जापान गवर्नमेंट हैंडल करेगी। आप लोगों को कोई भी पैसा खर्च नहीं करना, कंप्लीट स्कॉलरशिप आप लोग ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की भी फीस नहीं देनी, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना। जो जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को फॉलो करने हैं। अगर आप लोगों ने 12th पास कर ली है तो आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग डिग्री करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो जापान गवर्नमेंट के साथ मिलके। कैसे आपको अप्लाई करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक ज़रूर करना, उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो कि किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना इस टाइम पर आप लोग कौन सी क्लास में हो या फिर कौन सा कोर्स कर रहे हो, ताकि उसी से रिलेटेड मैं आप लोग को आने वाले टाइम में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बेहतरीन अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि फ्री की अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग गेट या फिर एससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी की तरफ से इस संडे आप लोगों के लिए फ्री अल्ट्रा कॉम्पैक्ट करवाया जा रहा है, जिससे आप लोग अपनी गेट एंड एससी एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। इस गेट एंड एएससी के गेट कॉम्पैक्ट को देने से आप लोगों का एक और फायदा है, आप लोगों को अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है अनअकैडमी के पेड गेट सब्सक्रिप्शन पे। यानी बहुत ही कम प्राइस में आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं भी आती है तो भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि लक्की पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे अमेजोन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका दिया जा रहा है। बाकी मेरा सजेशन तो रहेगा आपको ज़रूर ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। कम से कम आप लोग अपनी प्रिपरेशन तो चेक कर पाओगे कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितनी आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर से आप लोगों को इस टेस्ट को देने के बाद वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक के थ्रू आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। इन्विटेशन कोड में आप लोग ट्रिकी मैन डाल सकते हो, जिससे आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स रजिस्टर करने दिया जाएगा। अनअकैडमी ऐप से या फिर लैपटॉप से आप लोग इस टेस्ट को संडे के दिन 11 बजे सुबह इस टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को इस स्कॉलरशिप में बता दिया जाएगा कितनी आपकी स्कॉलरशिप लगी है, तो ये फायदा आप जरूर उठाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर गया, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी हैं। जैसे ये मैकबुक आप जो देख रहे हो, ये आप लोग को फ्री में मिल सकता है अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो। इसके अलावा यहाँ पे आईफोन 11 जीतने का मौका है, सैमसंग टैब, ये भी रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के लिए जो कि आप फ्री में जीत सकती हो। अब चेकआउट करिएगा आप लोग। अब बात करते हैं, अगर आप लोग जापान गवर्नमेंट के साथ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको कहां जाना होगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे .in.embassyjapan.go.jp। एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया का ये एक लिंक बनाया गया है, यहां पे जापान गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप है, मैक्स स्कॉलरशिप, बेसिकली हर साल लॉन्च की जाती है मई जून के टाइम पे, तो हर साल काफ़ी बच्चे अप्लाई करते हैं और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। लास्ट ईयर भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, आपको ध्यान ना हो तो। यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का बेसिकली पर्पज़ ही ये होता है कि जापान गवर्नमेंट इनवाइट करती है अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को कि जापान में आके स्टडीज़ करें, वहाँ का इन्वायरमेंट जानें, और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को भी ये मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप हैं, करीब 4 स्कॉलरशिप इस प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। सभी स्कॉलरशिप की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको अप्लाई करना है ये अभी हम आगे वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले रिसर्च स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, एंड स्पेशलाइज ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप है। ये 4 स्कॉलरशिप आप देख सकते हो, इनकी टाइमिंग वगैरह सब कुछ मेंशन आप लोगों के लिए। एप्लीकेशन ओपन फॉर 2023 बैच के लिए एप्लीकेशन ओपन है, यानी अभी आप लोग रजिस्टर करते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, फिर करीब 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं प्रोसेस वगैरह होने में, वीजा वगैरह आपका लगने में। 2023 में आप लोग जापान में जा रहे होंगे अगर आप लोग का इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होता है तो। एक एक करके हम लोग सारी स्कॉलरशिप की बात करते हैं। सबसे पहले मेरी बेस्ट, जो मुझे काफी अच्छी स्कॉलरशिप लगती है, वो है ये वाली स्पेशलाइज ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट, जो कि स्पेशली 12th क्लास के पास आउट स्टूडेंट के लिए होती है। इसमें आप लोगों को मौका मिलता है
स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एक सर्टिफिकेट कोर्स पे आप लोग को ट्रेनिंग मिल सकती है इस स्कॉलरशिप के अंडर। ये जो स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन कोर्स है करीब 3 साल का होता है, आप लोग को 1 साल तो जापान लैंग्वेज में ट्रेनिंग कराई जाती है, 2 साल का आप लोग को यहाँ पे किसी भी फील्ड में स्टडी करने का मौका दिया जाता है। जैसे आप लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड वेलफेयर, बिजनेस रिलेटेड, फैशन एंड होम इकोनॉमिक्स, तो इस टाइप से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ सकते हो 2 साल तक। एक सर्टिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद। आपकी जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका बर्थ 2 अप्रैल 1998 के बाद का है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप 3 साल आप लोग को मिलते हैं, अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल मार्च 2026 तक आप लोग को दिए जाते हैं 3 साल। आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो 12 बच्चों को ये वाली स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, बट ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाता, पता नहीं कब लक काम कर जाए। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में। देखो आपकी एजुकेशन फीस, आपकी ट्यूशन फीस, आपका ट्रैवल फेयर, वो सब कुछ तो आपको फ्री में मिलता है। इसके अलावा आपको वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे खर्चे के लिए करीब 70,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं जापान गवर्नमेंट की तरफ से। यानी आप लोगों को कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्कॉलरशिप में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ तो सेट हो जाती है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, राउंड फेयर टिकट भी आप लोगों के लिए फेयर है, फ्लाइट से आपका आना जाना भी फ्री रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को फिल कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है और एक रिकमेंडेशन लेटर, इस टाइप से एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश और आप लोग को जापानीज लैंग्वेज दिखाई देगा, तो इसको आप लोग फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोगों को अलग अलग तरीके बताए गए हैं अप्लाई करने के, आपको अप्लाई कैसे करना है इस वाली स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से हैं तो आप लोग को एक मेल आईडी दी गई है, इस मेल आईडी पर आप लोगों को बेसिकली अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ जो कि फिजिशियन से आप लोग भरवा सकते हो, ये सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मेल आईडी पे शेयर करनी है। अगर आप लोग इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को बाय पोस्ट ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर करने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग कोई रिमेनिंग स्टेट में से, इनमें से भी नहीं हो, इनमें से भी नहीं हो, जैसे दिल्ली से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोग को एम्बेसी ऑफ जापान जो दिल्ली में इनका ऑफिस है वहाँ पे आप लोग को अपनी डिटेल भिजवानी होती है। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं वो यहाँ पे प्लीज़ नोट द एप्लीकेशन नीड टू बी सेंड बाय पोस्ट और कोरियर, आपको कोरियर के थ्रू ही भेजना पड़ेगा अगर आप लोग रिमेनिंग स्टेट्स में हैं तो। एप्लीकेशन की डेडलाइन जो वो 27 में है, करीब 15 दिन बचे हैं अभी, 15 से 16 दिन है अभी आपके पास अप्लाई करने के, तो टाइम तो है आपके पास अप्लाई करने का। रिटर्न एग्जाम वगैरह भी होगा आप लोगों का इस सिलेक्शन के लिए, तो वो आप लोग को डेट पहले से मेंशन की गई है। बाकी डिटेल एलिजिबिलिटी आप लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हो सारी एलिजिबिलिटी, बाकी मैंने आप लोगों को बताई दी है। सेकेंड जो स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए वो है रिसर्च स्टूडेंट की स्कॉलरशिप। पहले हम लोग चलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वाली स्कॉलरशिप देख लेते हैं। इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को मौका मिल रहा है अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री करने का, डिग्री आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो जापान गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे आप लोग डिग्री कर सकते हो, जैसे लॉ रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, या फिर मैकेनिकल स्टडीज से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड केमिस्ट्री, इस टाइप से अलग अलग कोई भी डिग्री कर सकते हो। इस डिग्री का टाइम पीरियड जो वो करीब 5 साल रहने वाला है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोगों को 1 या 2 साल तो जापानीज लैंग्वेज में पहले ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप लोग जापानीज लैंग्वेज सीख पाओ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो स्टडीज मटेरियल, फील्ड ऑफ स्टडी आप लोगों को वो पढ़ाया जाता है। इस वाली स्कॉलरशिप में भी आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा करीब 70,000 रुपये, और इस वाली स्कॉलरशिप में करीब 12 बच्चे ही सेलेक्ट किए जाएंगे। सेम फॉर्मेट है आप लोगों के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आप लोगों को यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है, या आप लोगों को मेंशन किया गया है कहाँ पे आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। अगर कोलकाता से बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मेल भी कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से हैं तो आप लोग को बाय पोस्ट यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं। थर्ड जो स्कॉलरशिप है वो है रिसर्च स्टूडेंट की स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो रिसर्च में डिग्री करना चाहते हैं, या फिर मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, या फिर पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं। यहाँ पे इस वाली स्कॉलरशिप में अलग अलग मेंशन है, टाइम पीरियड भी मेंशन है डॉक्टरल कोर्स के लिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री के लिए अलग से चीज़ें मेंशन है, एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोग देख सकते हो। बट आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, इसीलिए मैं ये चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप लोग मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। यहाँ पे आपको करीब 85,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, राउंड ट्रिप एयर फेयर भी आप लोग को दिया जाएगा। बाकी अप्लाई करने की सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।